हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी में सर। सो फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। हम लोग इसमें एक विशेष देश थाईलैंड के बारे में जानेंगे। इंग्लिश लेसन में इस देश की अनोखी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या अनोखी चीज़ों के बारे में बताया गया है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको यदि समझ में आएगा, पसंद आएगा। वैसे भी ये लेसन जो है ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की मधुरता फ्लेवर्स मधुरता। फाइंड थाईलैंड इन द गिवन मैप। जो आपके बुक में नीचे साइड मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको थाईलैंड को ढूंढना है, ठीक है। लिटिल डोई स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विद फोल्डेड हैंड। लिटिल डोई स्वान एक व्यक्ति का नाम है जो कि थाईलैंड के हैं, ने एक स्वच्छ घर एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस, एक स्वच्छ अतिथि घर के गेट के बाहर अस हमारा वेलकम्ड स्वागत किया विद फोल्डेड हैंड, मतलब हाथ जोड़ करके। तो कोई घूमने के लिए गए थे शायद, मान लीजिए कि हमारे इंडियन लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ के जो कि देखो पर्यटक लोग जहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो अक्सर वो करते हैं, वो लोग गेस्ट हाउस चूज़ करते हैं। गेस्ट हाउस में वहाँ रुक कर के फिर घूमते हैं, जस्ट लाइक होटल ही है ये गेस्ट हाउस। तो वहाँ पर ये रुके हुए थे। तो जब ये शुरुआत में गए तो लिटिल डोई स्वान जो कि उस होटल का मालिक है, ठीक है, केयर टेकर नहीं, मालिक है। तीनों ने क्या किया, अपने स्वच्छ दिख रहे गेस्ट हाउस अतिथि घर के गेट के बाहर गेट पर अस हमारा वेलकम्ड स्वागत किया विथ फोल्डेड हैंड्स हाथ जोड़ करके। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। दिस स्टैंडर्ड यह मानक थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग, मतलब कि थाई के मिलने का यह मानक गेस्चर हाव भाव है, जिसको क्या बोलते हैं, वाई कहते हैं, जो मतलब कि मानक गेस्चर मतलब हाथ जोड़ कर के उनका स्वागत करना। ये क्या है, उनकी अपनी विशेषता है। ऐसी बिहेव दिखा करके वो लोग स्वागत करते हैं। फ्लावर्स कलरफुल ड्रेसेस ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू एंड टेंपल इंट्रोड्यूस अस टू दिस यूनिक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, फ्लावर्स फूल कलरफुल ड्रेसेस रंग बिरंगे पहनावे, ब्यूटीफुल खूबसूरत बुद्धा स्टैचू बुद्ध की मूर्ति एंड टेम्पल्स मंदिरें इंट्रोड्यूस परिचित कराते हैं अस हमें टू दिस इस अनोखी देश का हमारे सामने ये फ्लावर कलरफुल ड्रेसेस ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू एंड टेम्पल, ये सभी हमें क्या करते हैं, इस अनोखे देश से परिचित कराते हैं। तो इनके कॉस्ट्यूम देखिए, रंग बिरंगे हैं, साधारण से दिख रहे हैं ये लोग, तो ये क्या करते हैं, हमको परिचित कराते हैं इस साउथ ईस्ट एशिया का भाग है ये थाईलैंड, जिसकी परिचय
हमारे सामने देते हैं। Thai people are warm-hearted, courteous, ever smiling and their hard-working nature is inspiring. Thai people, Thai के लोग warm-hearted, बड़े स्नेहिल, Thai के लोग बड़े स्नेहिल, warm-hearted, बड़े स्नेहिल, courteous, विनम्र, ever smiling, हमेशा प्रसन्नचित, and their hard-working nature, और उनकी कठिन परिश्रम वाली स्वभाव is inspiring, हमको क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं। जो थाई वासी हैं वो लोग स्नेहिल हैं और कॉर्टियस, विनम्र हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं और कठिन परिश्रम करने के स्वभाव वाले हैं। इन चीज़ इनके अंदर जो ये चीज़ हैं, ये चीज़ हमें क्या करती हैं, इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। आवर स्टे इन थाईलैंड वाज इन रीचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। हमारा थाईलैंड में ठहरना, आवर हमारा थाईलैंड में, इन थाईलैंड में स्टे ठहरना वाज इन रीचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग, बहुत हमारा सुखद, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग, बहुत सुखद, वेरी एक्साइटिंग, बहुत सुखद एंड इनरीचिंग, जोशीला था। तो हमारा थाईलैंड में ठहरना बहुत बहुत उत्साहित, बहुत उत्साहित एंड इनरीचिंग, जोशीला था। थाईलैंड इज़ बॉर्डर्ड बाय लाओस एंड कंबोडिया ऑन द ईस्ट, द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट। थाईलैंड पूर्व की ओर, ईस्ट पूर्व की ओर लाओस और कंबोडिया से घिरा हुआ है, लाओस और कंबोडिया से घिरा हुआ है। द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ, और थाईलैंड की छोटी खाड़ी, थाईलैंड की छोटी छोटी खाड़ी तथा मलेशिया, मलाया ऑन द साउथ, दक्षिण में मलेशिया तथा अंडमान सी ऑन द वेस्ट, और पश्चिम में अंडमान सागर से घिरा हुआ है, बॉर्डर्ड घिरा हुआ है। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। थाई भाषा शब्द में, थाई भाषा शब्द में थाई का मतलब होता है फ्रीडम। थाई का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम टिल मे 11, 1949 वाज स्याम, विच इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी थाईस, स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी। थाईलैंड की ऑफिशियल आधिकारिक नेम, नाम टिल था मई 1949 तक, टिल मई 11, 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम वास्याम था, विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय मैनी थाईलैंड्स, जिसका प्रयोग अब भी, स्टिल अभी भी, मैनी बहुत से थाईलैंड वासी करते हैं, स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी, स्पेशली विशेषकर जो चाइनीज स्पीकिंग है, चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी मीन्स होता है अल्पसंख्यक, तो जो चीनी लोग जो बहुत कम मात्रा में थाईलैंड में रहा करते थे, वो लोग अभी भी, और थाईलैंड के निवासी, कुछ निवासी, बहुत से निवासी अभी भी थाईलैंड को स्याम, उसके पुराने नाम स्याम से बुलाते हैं। वी सैट इन द ओपन टेरेस ऑफ द गेस्ट हाउस इन द मॉर्निंग सन। वी सैट, हम बैठे इन ओपन टेरेस, खुले हुए चबूतरा में, ऑफ द गेस्ट हाउस, अतिथि घर के, इन द मॉर्निंग सन, सुबह की धूप में, हम सुबह की धूप में गेस्ट हाउस के बाहर खुले हुए टेरेस चबूतरे में बैठे। बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग, नवंबर का महीना था, नवंबर की सुबह थी। द वेदर वाज क्वाइट कोल्ड, वेदर मौसम क्वाइट कोल्ड, बहुत ठंडा था, बिल्कुल ठंडा था। चुई बहादेव अब ये अतिथि घर का केयर टेकर है, चुई बहादेव आवर केयर टेकर, चुई बहादेव हमारे केयर टेकर एट द गेस्ट हाउस के
केयर टेकर हैं, ब्रॉट अस लाए हमारे लिए लाए हॉट कॉफ़ी गर्म कॉफ़ी एंड स्पाइस पोटैटो चिप्स और स्पाइस मतलब मसालेदार पोटैटो मतलब आलू की चिप्स लेकर के हमारे लिए आए। ही वॉज वेरी बिजी बट वह बहुत व्यस्त था, वह बहुत व्यस्त था। बट वी मैनेज परंतु हमने टू पुल हिम हमने उन्हें खींच लिया टू अ चेयर एक चेयर के साथ उन्हें खींच लिया टू सिट विद अस हमारे साथ बैठने के लिए एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड और हमें टेल अस बताए अस हमें बताए अबाउट के बारे में थाईलैंड की हिस्ट्री इतिहास के बारे में हमें बताएं। इसलिए हमने उन्हें क्या किया खींच करके बिठा लिया कुर्सी में और उनसे ये कहा कि आप हमें थाईलैंड के इतिहास के बारे में बताएं। चुई बहादेव देन टूक अस टू स्मॉल एंड रादर ओल्ड म्यूजियम फॉर लॉन्ग अवे फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर मेनी कॉइन्स वेसल्स मेटल वेपन्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री वर केप्ट। जी बहादेव देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरी गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि सर्दी हो गई इसलिए, तो बुरा मत मानिएगा आप लोग मेरी आवाज़ को, आप समझते जाइए मैं क्या बता रही हूँ। चुई बहादेव जो कि अतिथि घर के केयर टेकर थे तो वहाँ के जो गेस्ट थे उन्होंने उनसे कहा कि वो थाईलैंड के इतिहास के बारे में बताएं। तो यहाँ चुई बहादेव देन फिर टूक अस हमें ले गए टू स्मॉल छोटे से एंड रादर ओल्ड म्यूजियम और पुराने से एक छोटे और पुराने म्यूजियम संग्रहालय में ले गए अब फॉर लॉन्ग अवे जो कुछ ही दूर था फ्रॉम द गेस्ट हाउस से कुछ ही दूर में था वेयर जहाँ मैंने बहुत से कॉइन सिक्के थे वेसल्स बर्तने थे मेटल तत्व धातु थे बीपंस औजार थे एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री और इतिहास के लेख रखे हुए थे वर केप्ट रखे हुए थे। माय फादर पॉइंटेड एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट ईरा। मेरे पिताजी ने बुद्ध के युग का ईरा मीन्स होता है युग बुद्ध के युग पर आधारित बुद्ध के समय पर आधारित दीवार में चिपके हुए थाई की ऑफिशियल आधिकारिक कैलेंडर को क्या किया इंगित किया कैलेंडर को इंगित किया। इंटरेस्टिंगली द थाई कैलेंडर इज 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर। इंटरेस्टिंग अति रुचिकर बात यह थी कि जो थाई कैलेंडर है वो जो वेस्टर्न पश्चिमी कैलेंडर ऐसे 543 साल आगे था। तो थाई कैलेंडर जो बुद्ध के समय का कैलेंडर था वह कैलेंडर की सबसे अति रोचक बात यह थी कि वह वेस्टर्न कैलेंडर जो जनरली हम लोग जिस कैलेंडर को यूज़ करते हैं उस कैलेंडर से 583 साल आगे का समय उसमें बताता है मतलब उस वहाँ पर 543 साल पहले का टाइम वहाँ पर बताता था। दिस मीन्स द ईयर इसका मतलब ये हुआ कि जब 2005 AD विल बी कंसीडर एट जब हमारे यहाँ 2005 होगा तब उनके यहाँ 2548 ईसा पूर्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार। तो उनका कैलेंडर में अति रोचक पूर्ण बात क्या थी कि जो हम लोगों की अभी के टाइम में जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर से वो 543 साल पहले का समय उसमें बताता है मतलब वो लोग 543 साल पहले वाला जीवन या समय व्यतीत कर रहे हैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे वेस्टर्न कैलेंडर में यदि 2005 बताया जाए तो उनके ईयर में उनके बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से वहाँ का वर्ष यदि हमारे का यहाँ हम 2005 हमारा सन है तो उनके यहाँ 2548 वह सन चलेगा। तो है ना एकदम अति रोचक इंटरेस्टिंगली बात थी इसलिए पिताजी ने उसको इंगित किया।
वी हैड प्लान्ड टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक्स ऑफ मेकोंग एंड द फ्लावर्स ऑफ द चायो प्राया रिवर वैली बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. वी हैड प्लान्ड हमने योजना बनाई टू गो आउट बाहर जाने की टू सी द रिवर बैंक ऑफ मेकोंग मेकोंग की नदी के किनारा देखने की एंड फ्लावर्स ऑफ चायो प्राया रिवर वैली और चायो प्राया नदी घाटी की फूलों को देखने की हमने प्लान बनाया जाने के लिए देखने जाने के लिए प्लान बनाया. बट सडनली परंतु अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग अचानक क्या होने लगी वर्षा शुरू हो गई. वी वर डिसअपॉइंटेड हम लोग निराश हो गए थे बिकॉज क्योंकि वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप क्योंकि हम लोगों ने अपने ट्रिप को पिकनिक को कैंसल कर दिया निरस्त कर दिया. बट चुई महादेव परंतु चुई महादेव ने केप्ट अस इंगेज्ड परंतु चुई महादेव ने हमें व्यस्त रखा. इंगेज्ड मीन्स होता है व्यस्त रखना. परंतु चुई महादेव ने हमें व्यस्त रखा मतलब कि वो लोग निराश हो चुके थे लेकिन फिर भी चुई महादेव ने उनको व्यस्त रखा. ही सॉल्वड अस उन्होंने हमें दिखाया फोटोग्राफ्स चित्र ऑफ द लवली खैरात प्लेटू लवली प्यारा खैरात प्लेटू का फोटो दिखाया चित्र दिखाया हमें एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ और सबसे ऊंची चोटी थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी अब उधर है थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथोरियन थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथोरियन विच इज 2576 मीटर्स हाई सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री जो थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथोरियन जिसकी लंबाई 2576 मीटर ऊंचा सिचुएटेड स्थित था इन नॉर्थ ऑफ कंट्री देश के उत्तरी भाग में 2576 मीटर ऊंची स्थिति में स्थित था. ठीक है. द ब्यूटिफुल चायो प्राया रिवर रन्स इंटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड जो खूबसूरत चायो प्राया रिवर नदी थी वो बह रही थी थाईलैंड के गल्फ खाड़ी में जाकर गिर रही थी एंड द नैरवर कारास्थमस फ्लॉप्स इंटू द मलाया पेनिनसुला और जो ये सकरा करते हुए कारस्थमस फ्लोप्स बहता था इनटू मलाया पेनिनसुला मलाया प्रायद्वीप में ये बहता था. ठीक है. अब यहाँ पास ये चार्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं. हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड की है हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड थाईलैंड के इतिहास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुखो थाई किंगडम फाउंडेड इन 1238 तो जो ये थाईलैंड की ओरिजिनेट कहाँ से उत्पन्न हुआ सुखो थाई किंगडम साम्राज्य से उदय हुआ 1238 में. नेक्स्ट लार्जर किंगडम और अन्य अयोध्या स्टैब्लिश्ड इन मिड 14th century 14वीं शताब्दी के मध्य में अगला जो सबसे बड़ा साम्राज्य था यहाँ का अयोध्या स्टैब्लिश स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में. कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड चाइना और यहाँ का जो संस्कृति वो किससे प्रभावित है भारतीय संस्कृति से और चीन की संस्कृति से प्रभावित है. नेवर कॉलोनाइज्ड by any European power और इस थाईलैंड में कोई भी यूरोपियन पावर मतलब कि जो यूरोपीय देश है ना किसी ने इसमें कब्जा नहीं किया उपनिवेश नहीं बनाया. कॉलोनाइज मीन्स होता है उपनिवेश तो ये किसी भी यूरोपीय देश का उपनिवेश नहीं बना. ठीक है. उपनिवेश क्या होता है 8वीं के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे वो क्या होता है उपनिवेश किसी देश का दूसरे देश में कब्जा कर लेना और जो कब्जा किया हुआ देश है वही देश उनका उपनिवेश कहलाता है. तो जो ये थाईलैंड है ये बहुत ही महान देश है क्योंकि ये इतना अच्छा देश है कि किसी भी यूरोपियों के हाथ नहीं लगा. ठीक है. इतना समझ में आया. बाय दैट टाइम द डिलीशियस थाई
क्यूजीन कुक्ड फॉर अस हैड मेड अस फील हंग्री इंडीड। बाय दैट टाइम उसी समय डिलीशियस स्वादिष्ट जायकेदार थाई क्यूजन थाई पकवान कुक्ड बन रहे थे फॉर अस हमारे लिए एंड मेड अस फील हंग्री हंग्री इंडीड। उसी समय जो थाईलैंड का पकवान हमारे लिए बन रहा था ये पकवान हमें जल्द ही भूख का अनुभव करा रही थी थाई क्यूजिन थाई पकवान इज नोन फॉर इट्स बैलेंस। थाई पकवान जाने जाते हैं फॉर इट्स बैलेंस अपने संतुलन के लिए। आप फाइव बेसिक पांच आधारित संतुलन के लिए फ्लेवर्स संतुलन के लिए जाने जाते हैं। इन एवरी डिश प्रत्येक डिश में हॉट यहाँ की थाईलैंड की जो डिश है मतलब खाना है वो किस किस प्रकार की हॉट गर्म होता है स्पाइसी चटपटी होती है सोर खट्टा होता है स्वीट मीठा होता है साल्टी नमकीला होता है एंड बिटर टेस्टेड और कौशीला टेस्ट का होता है। बिटर मतलब कड़वा टाइप के थोड़ा कड़वा कौशीला टेस्ट स्वाद का होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज द नाफला वेरी एरोमेटिक एंड स्ट्रोंग टेस्टिंग फिश सॉस। एक और महत्वपूर्ण तत्व इंग्रेडिएंट्स में होता है तत्व इज द नाफला वेरी एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स होता है फूल या फल से आने वाली सुगंध बहुत ही सुगंधित एवं स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग कड़क स्वाद वाली फिश सॉस मछली की चटनी। यहाँ की एक और विशेषता है कि मछली की चटनी बहुत ही कड़क स्वाद वाली होती है। थाईलैंड्स क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल विथ फ्रिक्वेंट रेन्स। तो अब यहाँ पर सिर्फ डिब्बे में हम लोग देखेंगे थाईलैंड की जलवायु के बारे में। थाईलैंड का जलवायु मौसम ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय होने के साथ साथ बार बार वर्षा होने वाला यहाँ का समय है। साउथर्न थाईलैंड इज हॉटर एंड मोर ह्यूमिड। जो साउथ दक्षिणी थाईलैंड है वो बहुत गर्म और मोर ह्यूमिड कम गर्म और मोर ह्यूमिड बहुत अधिक नमी युक्त होता है। मई एंड सितंबर वार्म एंड क्लाउडी। मई और सितंबर गर्म और बदली टाइप का वहाँ होता है मतलब बादल छाया हुआ मौसम होता है। नवंबर टू मिड मार्च कूल ड्राई एंड प्लीजेंट। नवंबर और मार्च के जो मध्य का मौसम होता है वो कूल ठंडा होता है ड्राई सूखा होता है एंड प्लीजेंट सुखद होता है मतलब अच्छा मौसम होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलवेज प्रीवेल्स। उत्तर पूर्व मानसून हमेशा छाई हुई होती है। प्रीवेल्स मतलब वहाँ मानसूनी मौसम हमेशा रहा होता है बदली टाइप का मौसम वहाँ पास हमेशा रहा हुआ होता है। अ टाइपिकल मील कंसिस्ट्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग जास्मिन राइस क्वाइट कॉस्टली। अटाइपिकल मील्स गर्म भोजन अटाइपिकल मील्स मील मीन्स होता है भोजन तो गर्म भोजन कंसिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग मीठी सुगंध वाली जास्मिन की चावल बनाई जाती है जो कि अत्यधिक कॉस्टली होता है बहुत महंगा होता है। लवली स्मेलिंग करीज सुंदर स्मेलिंग सुगंधित करीज मीन्स होता है कढ़ी स्टीर फ्राइड आइटम तली हुई चीज़ें एंड अदर डिशेस और अन्य अधिक मात्रा में कुक्ड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ और अधिक मात्रा में पकी व्यंजने पकी डिशेस व्यंजने ऑफ चिली ठंडी लाइम जूस नींबू का रस एंड लेमन ग्रास नींबू का अचार ये वहाँ का भोजन है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। बहादेव आल्सो टॉक्ड अबाउट नूडल्स दैट मेड माई माउथ
वाटर। महादेव ने हमें नूडल्स के बारे में भी बताया कि हमारे मुंह में पानी आ गया। बट एट लंच, परंतु लंच लंच पर आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट द थाइस कॉल इट, कि थाई बुलाते हैं इसे, पैट थाई के नाम से इसे बुलाते हैं। आई इंसिस्ट दैट, मैंने इसे मांगा दैट कि आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग, कि मुझे शाम को और चाहिए। मतलब ये नूडल्स इतना स्वादिष्ट था कि उसने शाम को और कुछ नूडल मांगा। मम्मी वॉज हैप्पी, मम्मी खुश थी टू एकत्रित करके थाई स्पेशलिटीज़ फॉर हर किचन। थाई की स्पेशलिटीज़, विशेषताएँ, जो विशेषताएँ थी उन व्यंजनों में, उनको अपने किचन में, किचन के लिए पाकर बहुत खुश थी। सच एज, जैसे कि बासिल, तुलसी, गैंग्लास, गालेंगास, जिंजर, अदरक, थाई एक प्लांट, भटा, टैमरिंड, इमली, पाम, ताड़, कोकोनट मिल्क, कोकोनट का पानी, नारियल पानी एंड कोकोनट शुगर। कोकोनट की बर्फी को पा करके माँ बहुत खुश हुई, अपने किचन में पा करके बहुत खुश हुई। इन द आफ्टरनून वी ट्रेवल्ड टू बैंकॉक द कैपिटल सिटी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में हम ट्रैवल किए, घूमने के लिए चल पड़े टू बैंकॉक। बैंकॉक को द कैपिटल सिटी, जो इस थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ हम लोग दोपहर में यात्रा करना शुरू कर दिए। माई ब्रदर नोटेड द नेम, मेरे भाई ने नोट किया नेम, नाम को, ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, अन्य महत्वपूर्ण शहरों के नाम को नोट किया फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट पर्यटक गाइड होता है, दिखाने वाला, घुमाने वाला, उससे पूछ करके अन्य शहरों के नाम उसने नोट किए। उन शहरों के नाम थे नाखोन, रात काशिमा, उडन थाई, काखोन, श्वान, सवान, चैंग माई, सूरत थानी, फुकेट, हैट या सौखंगला, सच डिफिकल्ट नेम, जैसे डिफिकल्ट कठिन नाम। तो ये कठिन नाम लग रहे हैं आपको, ये वही थाईलैंड की महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं। चुई बहादेव सजेस्टेड दैट वी गो एंड सी द लोई ख्रास्थंग फेस्टिवल। चुई बहादेव ने सजेस्टेड, हमें सलाह दी दैट कि वी गो, हम जाएं, एंड सी देखें लोई ख्रास्थंग फेस्टिवल, त्यौहार को हम देखें। हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि नवंबर माह में अक्सर मनाए जाते हैं। इन विच कैंडल, जिसमें वो लोग कैंडल लिट फ्लोट्स, मतलब होता है जो जलता हुआ दिया को वो लोग क्या करते हैं, और कास्ट इनटू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में, टू ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द कमिंग ईयर। बहते हुए पानी में वो लोग क्या करते हैं, जलते हुए दिए को बहा देते हैं और एक नए साल की, एक उनके भविष्य में आने वाला जो नया साल है, उसकी अच्छे होने की कल्पना करते हैं। वी वर लकी टू सी द एलिफेंट राउंड, मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ एलिफेंट राउंड को देखने के लिए। अस इन सूरीन में एलिफेंट राउंड को देखने के लिए मैं खुश नसीब हूँ। वेयर, जहाँ पामीडर्मस थिक स्किन्ड एनिमल, मोटे स्किन वाले जानवर, प्ले फुटबॉल खेलते हैं शोकर, वाजंट दैट ग्रेट, क्या यह आश्चर्य या अद्भुत नहीं था। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी जो ये लेसन की वर्ड मीनिंग, स्टोरी मीनिंग समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स एवरी हर कोई कीजिए कि कैसा लगता है आपको, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं इसके वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।